सब्सक्राइब कीजिए विंग्स टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को टेक से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं चाइना के अंदर जो Mi Band 5 है लॉन्च हो चुका है, उसके जो स्पेसिफिकेशन है, जो फीचर्स है काफी ज्यादा अमेजिंग है। उन्हीं फीचर्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि जल्दी ही आप जानते हैं इंडिया के अंदर Mi Band 5 लॉन्च हो जाएगा, हम सब उसको यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा ज्यादातर फीचर जानने के लिए, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि मैं ज्यादातर फीचर्स को इसमें इंक्लूड कर पाऊं, कोशिश की हर एक फीचर को इंक्लूड कर पाऊं, तो इसको जरूर देखिएगा अंत तक। वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे भी जब मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सबसे पहले मेरे लेटेस्ट वीडियोस को देख के अपडेटेड रह पाएं। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पुनीत शर्मा और आप देख रहे हैं विंग्स टू टेक्नोलॉजी, स्टे अपडेटेड फ्रॉम टेक। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले बैंड के अपीरियंस के बारे में। तो बैंड का अपीरियंस काफी हद तक जो Mi Band 4 है उससे सिमिलर है, बस जो स्क्रीन का साइज है वो कुछ हद तक चेंज हो गया है, बड़ा हो गया है, जो है 1.1 इंच की स्क्रीन, जो पहले के मुकाबले डिस्प्ले के लिए ज्यादा अच्छी है, आराम से दिखाई देती है। हम बात करते हैं इसके अंदर फीचर्स क्या इंक्लूड हुए हैं जो Mi Band 4 के अंदर नहीं है। तो पहली बात है PAI है आपका पर्सनल एक्टिविटी इंटेलिजेंस, जिसका काम होता है कि आपकी वीकली या मंथली जो रिपोर्ट है Mi Band से, उसको जनरेट करके आपको दिखाना और टोटली आपकी जो वर्कआउट वगैरह सबकी रिपोर्ट को एक जगह पर दिखाना, जिससे आप पता लगा पाए आपका एनालिटिक्स पूरे मंथ या वीकली व्यू में क्या है, और उसके मुकाबले आप अपने जो वर्कआउट्स हैं या फिर जो हैबिट्स है उसमें मॉडिफिकेशंस कर पाए। उसके बाद जो अगला फीचर्स है उसको कहते हैं वुमेन वर्कआउट मोड। इसे स्पेशली वुमेन्स के लिए बनाया गया है, उनके वर्कआउट को ट्रैक करने के लिए कुछ अलग मेजरमेंट को लेकर, जो उनके लिए बेस्ट और सही मेजरमेंट्स पे खड़े होते हैं। बात करते हैं मेन हाईलाइट की, मेन हाईलाइट है Amazon Alexa। Mi Band 5 के अंदर आपको Amazon Alexa भी मिल रही है। हाल ही में एक वीडियो में भी सामने आया है, जो कि शायद एक जैपनीज अनबॉक्सिंग चैनल का है, नाम मुझे याद नहीं है, पर उसके अंदर उसको वर्कआउट में दिखाया गया, इसलिए कंफर्मेशन हो चुकी है कि जो Mi Band है उसके अंदर आपको Amazon Alexa का सपोर्ट मिल रहा है। अब ये नहीं पता कि आपको वापस रिप्लाई करेगी नहीं, पर उसके अंदर एक माइक्रोफोन इंक्लूडेड है बैंड के अंदर, जिससे आप उससे बात कर सकते हैं। तो हो सकता है जो रिप्लाई है वो आपको टेक्स्ट के रूप में दिखाई दे, शायद बैंड में स्पीकर इंस्टॉल नहीं होगा जो आपको जो ऑडियो रिस्पॉन्सेज दे पाए, पर कम से कम आप जो बोलते हैं वो उसको सुनता है, उसको लिसन करता है, एनालाइज करता है, और आपको जो भी, जैसे कि मान लीजिए आप वेदर पूछते हैं या फिर अपनी एक्टिविटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, तो वो आपको फटाफट एलेक्सा वहाँ पे दिखा देगी, और भी आपके एलेक्सा के रिमाइंडर वगैरह काफी कुछ यहाँ पे सपोर्टेड होंगे, जैसे कि आपके फोन में सपोर्टेड होते हैं। तो एलेक्सा के बाद हम बात करते हैं जो ब्राइटनेस है, वो भी पुरानी Mi Band 4 के मुकाबले काफी हद तक बढ़ा दी गई है। आप बैंड के अंदर से ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। कई सारे आपको इसके अंदर वॉच फेसेस मिलते हैं कमाल के, और कस्टम वॉच फेसेस के लिए भी ऐप, जैसे जैसे बैंड मार्केट के अंदर आएगा इंडिया के, वैसे वैसे कस्टम वॉच फेसेस के लिए भी ऐप आ जाएगी। तो वॉच फेसेस तो Mi Band 4 की तरह आपको इसमें अनलिमिटेड मिलने वाले हैं। उसके अलावा एक्सरसाइजेस के जो मोड है काफी ज्यादा सपोर्ट करती है। Mi Band 4 में जितनी एक्सरसाइज की मोड थी उसके मुकाबले कहीं ज्यादा इसमें आपको एक्सरसाइजेस की, डिफरेंट एक्सरसाइजेस की मोड मिल जाती है। और भी अगर आप ज्यादा एक्सरसाइजेस को ट्रैक करना चाहते हैं तो आप जाके जो Mi Fit ऐप है उसके अंदर ट्रैक कर सकते हैं। जो Mi Fit ऐप है उसके अंदर भी कई सारे अपीयरेंस में आपको चेंजेस दिखाई देंगे, और भी कई सारे जो फीचर्स है इस बैंड के अंदर मिलेंगे। एक और जो हाईलाइट है, ये बैंड दो वेरिएंट्स में लॉन्च हो रहा है, और इसमें पहली बार ग्लोबली में NFC से सपोर्ट हो रहा है। जैसे कि पहले जब भी NFC वाला मॉडल लॉन्च करता था मी, तो वो चाइना तक ही सीमित रहता था, पर इस पर ग्लोबल वर्जन में लॉन्च हो रहा है, इसलिए इंडिया के अंदर शायद दो वर्जन आने वाले हैं, एक लगभग 2000 के आसपास और एक वर्जन आने वाला है 2500 के आसपास। तो 2000 के आसपास वर्जन आएगा वो NFC सपोर्टेड नहीं होगा, 2500 वाला जो वर्जन है वो NFC सपोर्टेड होगा। आप NFC की उसे पेमेंट्स कर पाएंगे, और भी कई सारे आपको अलीपे जैसे फीचर हो सकते हैं, और उसके अलावा भी कई सारे पेमेंट मेथड अगर ग्लोबली रिलीज हो रहा है तो आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये थे कुछ फीचर्स जो Mi Band 5 में Mi Band 4 के मुकाबले ज्यादा है। आपको कौन सा फीचर सबसे अच्छा मिले मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, कौन सा फीचर आपको सबसे अच्छा लगता है, और क्या एक्सपेक्शन कर रहे हैं कि क्या क्या फीचर इसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए आने वाले समय में। वही बाकी जो बात करते हैं बाकी फीचर्स की, तो वॉल्यूम का कंट्रोल का आपको इसमें ऑप्शन मिल जाता है, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। बेसिकली जब Mi Band 3 लॉन्च हुआ था तब म्यूजिक कंट्रोल एक इश्यू बन गया था, जो Mi Band 4 में सॉल्व कर दिया गया था। Mi Band 5 में और एनहांस आपको उसकी UI मिलेगी। उसके अलावा कैमरा के शटर का बटन भी आपको इसके अंदर मिल जाता है, इसलिए आपने Mi Band का यूज करके जो कैमरा में पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, अपने फोन से दूर रहकर भी अगर सेल्फी लेना चाहे तो ले सकते हैं। उसके अलावा भी कई और फीचर्स में इंक्लूड किए गए हैं, जो जैसे Mi Band इंडिया में लॉन्च होता है हमें स्पेसिफिकेशन के बारे में पता चलता है। अगर किस्मत अच्छी रही तो अनबॉक्सिंग करने की भी हम कोशिश करेंगे उसके आगे हम तक पहुंच जाए सही टाइम पे। तो बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही है। वीडियो पसंद आया इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा आगे भी ऐसे अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के ID लिंक पे दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, और ऐसे ही चैनल पे बने रहिएगा और भी टेक अपडेट्स पाने के लिए। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए विंग्स टू टेक्नोलॉजी, स्टे अपडेटेड फ्रॉम टेक।